ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जब गरीब घर में माँ बाप गरीब हो, जब आदमी जन्म लेता है उस परिवार में, उसी को बोलते हैं जन्मों जन्मों की गरीब, क्योंकि जन्म से वह गरीबी को देख रहा है और गरीबी को झेल रहा है। इसी को बोलते हैं जन्मों जन्म की गरीबी। तो अगर आप इस तरह की परिवार से हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि यह गरीबी हमारी जाने वाली नहीं है, यह जन्मों की गरीबी है, और मित्रों लक्ष्मी बंधन भी हो जाते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। लक्ष्मी बंधन हो जाने पर धन आते ही नहीं, अगर धन आते भी हैं तो वह धन कहाँ जाता है, किस कार्य में जाता है, धन बिल्कुल टिकता नहीं, इधर से आया उधर चला गया। तो मित्रों, यह लक्ष्मी बंधन धन बंधन तीन प्रकार से होते हैं। एक तो शत्रुओं के द्वारा, और दूसरा तांत्रिक मांत्रिक लोग होते हैं तो लक्ष्मी बंधन कर देते हैं, और तीसरा बंधन खुद अपने हाथों से स्वयं आदमी लक्ष्मी बंधन कर लेता है। तो मित्रों, इसका विवरण हम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए बंधन तीन प्रकार के होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम गरीबी से मुक्ति पा जाऊं, जन्मों की गरीबी दूर हो जाए और हम बने धनवान, जो कार्य करें भरपूर सफलता के साथ कार्य हो, तो मित्रों इस उपाय को अगर आप कर देते हैं तो चाहे वह बंधन हो या नहीं भी बंधन हो, मां लक्ष्मी को आपके घर में दौड़ते हुए आना ही पड़ेगा, यह ऐसा उपाय है। तो मित्रों, इसके लिए अगर आपके घर के आसपास कहीं समी वृक्ष है तो उसे तलाश कर रखें, अगर नहीं है समी वृक्ष तो आप नर्सरी के फूलों के नर्सरी में आराम से इसके पौधे मिल जाते हैं और लाकर आप गमले में लगा सकते हैं, तभी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम समी वृक्ष का पौधा दिखा दूं। तो साथियों, यह रहा समी वृक्ष के पौधा। अगर पहले से लगा कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा है तो आप लाकर घर पर लगाकर तभी इस उपाय को करें, तभी आप सफल होंगे। तो मित्रों, इसको सिर्फ 5 शनिवार तक करना है, केवल शनिवार शनिवार को। तो मित्रों, शनिवार के दिन संध्या के समय इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आप एक मिट्टी का दीपक ले लें, और पंसारी के दुकान पर तिल का तेल मिल जाता है,
और काले रंग का बाती इसमें डालने के लिए, तो मित्रों काले बाती जल्दी नहीं मिलते हैं, अगर पूजा पाठ के दुकान पर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो आप किसी नए सूती काले कपड़े का आप बाती बना लें या काले धागे का मोटा बाती बना लें। और शनिवार के संध्या होने के बाद उस समी वृक्ष के पास बैठकर पूरब दिशा के तरफ मुंह करें, और जो बाती जलाएंगे ये भी बाती का रुख पूरब दिशा होना चाहिए। तो मित्रों यह अपनी गरीबी मुसीबत को दूर करने का भावना रखते हुए अपने दिल के अंदर, तब इस उपाय को करें। तो मित्रों इसी तरह से आप सिर्फ पांच शनिवार को करें, और जब धन बढ़े तो धर्म को भी बढ़ाइए, ऐसा नहीं धन बढ़ने लगे तो आप अधर्म के तरफ जाएं, नहीं जी, जैसे जैसे धन बढ़े वैसे वैसे धर्म को भी बढ़ाना चाहिए। तो मित्रों जब आप पांच शनिवार तक इसका पूजन कर देते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी दूर भाग जाएगी और आप खुशहाल बनेंगे, आपके घर में लक्ष्मी दौड़ते हुए आकर निवास करेगी, आपका समझें कि एक तरफ से धन का अंबार लगना चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें मित्र, जब आप समी वृक्ष लगा रहे हैं या कोई व्यक्ति पहले से लगा कर रखा है, उस पौधे को साफ सफाई रखें, और इस पूजा के बाद, यह तो धन संपत्ति बढ़ाने के लिए लक्ष्मी की जोरदार कृपा के लिए हम पांच शनिवार को कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्रतिदिन कुछ न करें तो उस समी वृक्ष के ऊपर तांबे के लोटे से एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ावें, नहीं तो यह समी वृक्ष को लगा देने के बाद अगर इसका सही सलामत पालन नहीं किया जाए तो यह बर्बाद भी कर देता है, ऐसा यह समी वृक्ष है। तो यह ध्यान रहे कि लगा लेना ही एक कलाकारी नहीं है, इसका सेवा भी करना एक महान कार्य है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो मित्रों यह धनवान बनने के लिए, जन्मों की गरीबी को दूर भगाने के लिए अति कारगर है। चाहे आपका कोई बंधन लगा दिया हो या नहीं भी लगा हो, फिर भी आपके घर धन दौड़ते हुए आएंगे और आप बन जाएंगे खुशहाल। तो मित्रों वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।